हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं अपने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, बिलो द काउंटर टॉप स्पेशली। बहुत दिन से ये रह गया था मेरा, इधर भी जो है यूट्यूब का काम भी थोड़ा बढ़ गया है तो उसमें भी थोड़ा मेरा टाइम चला जाता है। बेटी भी छोटी है, उसको भी देखना रहता है, हर जगह जो है थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तो ये काम जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा था। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और यहाँ पर जो है मैं ब्रेकफास्ट की सबसे पहले तैयारी कर लूँगी। ऐसा ना हो कि हस्बैंड उठ जाएँ और कहें कि ब्रेकफास्ट दो तो कुछ तैयारी ना रहे। तो यहाँ पर जो है मैं उसका थोड़ा सा ना जो मसाला होता है उसको रेडी करके रख ले रही हूँ। पोहा मैं बाद में डालूँगी जब वो उठ जाएंगे। ये देखिए मैं डोर के पीछे दिखा रही हूँ ना, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है गंदा हो गया है। उधर मेरा हाथ इतना ज़्यादा पहुँचता नहीं है जल्दी, तो जो है डस्टिंग वगैरह हो नहीं पाती है। लेकिन मैंने यही सोच के रखा था कि बिल्कुल इसको अपने किचन को खाली करके तब मैं इसकी जो है क्लीनिंग करूँगी। आज मैं ना क्लीनिंग करने लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि किस तरह से जो है एक नॉन मॉडल किचन का ना बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बस सब सामान आप बाहर निकाल लीजिए और अच्छे से जो है अपने एकदम दिल के सुकून तक जो है किचन को क्लीन करिए और फिर से जो है अपने सारे जितने भी सामान हैं आपके किचन के उसको फिर से जो है ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं वही कर रही हूँ, फटाफट जो है सारे सामान निकाल रही हूँ। ये कबर्ड वगैरह ना हार्ड प्लास्टिक के हैं तो ज़्यादा जो है भारी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो टूट जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं ये। और इनको जो है मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। इवन इंसेक्ट वगैरह भी ना, कॉकरोच वगैरह मैंने तो नहीं देखा कि इसके अंदर चले जा रहे हों, तो बहुत ही अच्छा है। बिलो द काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए सब सामान हटाना पड़ता है, तो जिसके वजह से अभी दिखाती हूँ मैं आगे कि कितना ज़्यादा जो है गंदगी यहाँ पर रह गई थी। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है अनटाइडी हो रहा था मेरा किचन। तो आज फाइनली मैं इसको खूब अच्छे से साफ करूँगी। मैंने तो आप लोगों को छोटे क्लिप में दिखाया है लेकिन जो मैंने इसको क्लीन किया है ना, बस सारी ताकत आज मैंने अपने किचन को साफ करने में ही सब लगा दी थी। जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ क्योंकि बस ये है दिमाग में कि कहीं बेटी ना उठ जाए। अगर वो उठ गई तो ये झाड़ू जो मेरे हाथ में है वो उनके हाथ में नज़र आएगी। तो ये तो सब बच्चों का रहता है कि वो मम्मी जो कर रहे हैं बस उनको वही काम करना है। ये देखिए कितने ज़्यादा कचरा इस किचन से निकला। मेरे हस्बैंड भी इधर बीच उठ गए थे तो मुझे भी लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मॉर्निंग में उठो और ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी रहता है पूरे रात भर के बाद। तो मैंने कहा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर जो है मैं किचन को बाइंड अप करूँगी। तो मैंने आज अपने हस्बैंड से भी थोड़ा सा वक्त मांगा कि इसको प्लीज़ आप पकड़ लें ताकि मैं जो है आगे का काम निपटा लूँ जल्दी से। तो यहाँ पे जो है वही मैं उनसे बातें कर रही हूँ और क्या कहते हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। फिर से अब मॉपिंग करूँगी अच्छे से। मैं जो है एक बार मैंने बैठ के भी मॉपिंग की है अपने किचन की, वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि बहुत अजीब तरीके से हो जाता है ना बैठ के मॉपिंग करके और आप लोगों को दिखाऊं मैं। तो यहाँ पे जो है मैं फिर से दोबारा मॉप कर रही हूँ, तो मैं वही क्लीन सब यहाँ पे, स्पेशली ये जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि वहाँ मैं ऑयल की बॉटल वगैरह अपने ट्रॉली पे रखती हूँ। इस ट्रॉली पे ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी हो गई थी थोड़े दिन पहले। इसको तो मैंने वॉश किया था, इसी वजह से जो है मैं सिर्फ इसको जो है एक डम्प क्लोथ से वाइप कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है मैं पेपर की लाइनिंग इसलिए लगाती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है कि ऑयल वगैरह लग जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और अगर कुछ और लगाएंगे तो फिर चलो उसको धोते रहो और वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी हो जाता है वो लाइनर। ये ड्रॉर जो है पीछे से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही स्पेशियस डोर है ये नील कमल का और मैं इसमें सारी अपनी ग्रोसरी के सामान रखती हूँ। और ये ऊपर वाला एरिया जो है मैं इसको आप लोगों को अभी पीछे भी काउंटर टॉप जब मैंने दिखाया था आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें इसको क्लीन किया था मैंने अच्छे से ऊपर एरिया। और ये कबर्ड वगैरह भी ना पीछे से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और उसमें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाले वगैरह भी लग गए थे क्योंकि इतना जल्दी जल्दी निकाल के मैं कर नहीं पाती हूँ। इन कैबिनेट्स की जो है अंदर से क्लीनिंग मैं हमेशा ही करती रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अपने यूटेंसिल्स रखती हूँ तो वो एरिया क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये फर्मोरा ब्रांड के जो हैं बॉक्सेस हैं और इनका जो है मैंने रिव्यू भी शेयर किया है लोगों को, हफ्ते में या 2-3 दिन पर एक बार वाइप्स कर देती हूँ क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ उसमें लग जाए तो फ़ौरन नज़र आने लग जाता है। और ये ट्रॉली
जो है इसमें मैं एक्स्ट्रा आलू प्याज रखती हूँ, और कुछ आलू प्याज जो है मैंने आप लोगों को दिखाया है अपने काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ ऊपर की तरफ भी मैं रखती हूँ। तो ज़्यादा जब आ जाते हैं ना तो इस ट्रॉली में करके मैं एक साइड में यहाँ पर काउंटर टॉप के नीचे कॉर्नर में रख देती हूँ वो ट्रॉली। ये सलो का डोर जिसका जो है इसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें ग्रोसरी की भी रखती हूँ, तो थोड़ा सा ये भी मैसी हो गया था, तो मैं आज जब क्लीन करने लगी तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी अच्छे से अंदर से वाइप्स कर देते हैं और अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लाइनर का जो है यही फ़ायदा है कि आप लाइनर लगाइए, या तो उसको निकाल के वॉश कर दीजिए या तो एक डंप क्लोथ से वाइप्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये ड्रॉअर, और इसके अंदर भी जो है मैंने कभी इंसेक्ट्स को नहीं देखा है जाते हुए, क्योंकि ये पूरा आगे पीछे सब तरफ से बिल्कुल क्लोज्ड है, तो बहुत अच्छा है ये। मैंने एक अच्छा ड्रॉअर लिया मुझे ऐसा लगता है, और इसको जो है मैंने ऑनलाइन लिया था। अब ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये खड़े मसाले आप इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, स्पेशली जब आप बिरयानी बनाते हैं तो क्या होगा कि खड़े मसाले फिर आपके मुंह में नहीं आएंगे, जब उनका अरक निकल जाए तो उसमें से निकाल कर उसको जो है डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये एक छन्नी ना ये मसालों के लिए, खड़े मसालों के लिए बहुत ही अच्छी है, वो मुझे दिख गई तो मैं आप लोगों से भी मैंने शेयर कर दिया। ये बॉक्स जिसमें जो है मैं सब अपने किचन के टॉवल्स वगैरह रखती हूँ, एक छोटी सी टोकरी में ही इसको जो है रख कर, और इसी के अंदर मैं ड्रॉअर में रख देती हूँ। ये मैच स्टिक वगैरह इसी में ही मैं रखती हूँ, तो उसको भी जो है मैंने क्लीन कर दिया इस ड्रॉअर को भी अंदर से, काफ़ी गंदा हो गया था ये भी, बहुत दिन से मैंने इसको भी क्लीन नहीं किया था, तो ये सब कुछ क्लीन करके मैं यहाँ पर अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने। किचन की जो डस्टिंग होती है वो मैं रोज़ ही करती रहती हूँ बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर से बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हो नहीं पाता है। तो ये देखिए ये सब वाइप्स मैं रोज़ ही करती हूँ इन सब चीज़ों को। तो ये रहा आज की क्लीनिंग का मेरा एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों से मैंने शेयर किया, और मैं चलूँगी अब अपने लंच की तैयारी करूँगी। और मेरी बेटी जो है नेक्स्ट रूम में अपने टॉयज़ से खेल रही हैं, उनको मैंने टॉयज़ दे दी थी क्योंकि इनके पापा चले गए ऑफिस के लिए। तो इसी नोट पर जो है मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।